लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में 12 राज्यों के 95 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं इस वक्त। वहीं सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान होगा। यूपी की मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और हाथरस सीट पर 1.41 करोड़ मतदाता 85 प्रत्याशियों के भाग्य तय करेंगे, उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। वहीं जारी मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आज के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। और बात करें मथुरा सीट की, जहां हेमा मालिनी का मुकाबला आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के महेश पाठक से है। वहीं फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर मैदान में, यहां से राजबब्बर का मुकाबला भाजपा के राजकुमार चहल और बीएसपी के श्री भगवान शर्मा से है। वहीं बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर मैदान में है। तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां कार्ति चिदंबरम का मुकाबला भाजपा के एच राजा से है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर से भाजपा के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह और जेके पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह से है। वहीं श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला चुनाव मैदान में है। फारूक अब्दुल्ला का मुकाबला बीजेपी के खालिद जहांगीर से है। और दूसरे चरण में तमिलनाडु की सभी 38 लोकसभा सीट, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10 और बिहार, असम और उड़ीसा की 5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3 और जम्मू कश्मीर की 2, मणिपुर और पांडिचेरी की 1 सीटों पर मतदान इस वक्त हो रहे हैं। और इसके साथ ही उड़ीसा विधानसभा की 35 सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। और इस चरण में 15.80 करोड़ 1602 प्रत्याशियों के सियासी भविष्य का, उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। यह दूसरा चरण है, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग इस वक्त लगातार जारी है। 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान हो रहा है, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो रहा है, लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। हमने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले जब पी चिदंबरम अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे थे, अभिनेता रजनीकांत अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे थे और लगातार जो नेता हैं वो मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मथुरा में हेमा मालिनी की किस्मत भी दांव पर है। साथ ही साथ आज लोकतंत्र का महापर्व लेकर हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप भी अपने मत का इस्तेमाल करिए और वोट दीजिए, क्योंकि आपका जो मत है, आपका जो वोट है वो बहुत ज्यादा कीमती है एक मजबूत सरकार के लिए, एक ईमानदार नेता के लिए। और आज ही आपके पास मौका है और आज आप चुन सकते हैं। तो यूपी की 8 सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दूसरे चरण के लिए 95 सीटों पर मतदान जारी है। 68 सीटों पर एनडीए यूपीए में सीधा मुकाबला है। 11 राज्यों और केंद्र शासित पांडुचेरी में वोट डाले जा रहे हैं इस वक्त। और पिछली बार इन 95 में से सबसे ज्यादा, आपको बता दें, 36 सीटें अन्नाद्रमुक ने जीती थीं। और इस बीच जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जिस पर इस वक्त वोटिंग हो रही है, महाराष्ट्र में 10 सीटें जिस पर इस वक्त मतदान हो रहा है, कर्नाटक की बात करें 14, बिहार 5, पश्चिम बंगाल 3, असम 5 और उड़ीसा में 5, छत्तीसगढ़ की बात करें 3 और लगातार इस बीच जो देश से तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है, पहले चरण को भी हमने आपको दिखाया था और लगातार यूपी की 8 सीटों पर मतदान इस वक्त हो रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण तक। 18 अप्रैल यानी कि आज को 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की कुल मिलाकर 95 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं।